फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है एंटरप्रेन्योर फंक्शन। अब बेसिकली जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन, क्या क्या वर्क्स होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है इनोवेशन। इनोवेशन रिफर्स टू जनरेटिंग अ न्यू आइडिया विथ विच यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नए आइडिया को जनरेट करना, जिसके वजह से आप अपने नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इनोवेशन का मतलब क्या होता है? किसी नए आइडिया को जनरेट करना अपने बिजनेस को रन करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक, इनोवेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट दैट नो वन इज सेलिंग इन द मार्केट। इनोवेशन का मतलब केवल आइडिया जनरेट करना ही नहीं होता है, इनोवेशन का मतलब हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो जो कि मार्केट में अभी तक नहीं है। ठीक है, किसी एक ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना जो कि मार्केट में ना हो। इट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस दैट इज डूइंग द सेम वर्क इन अ मोर एफिशियंट एंड इकोनॉमिकल वे। ठीक है, इनोवेशन का मतलब होता है कि आप किसी वही काम को कर रहे हो जो काम दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन एक एफिशिएंट वे में, इकोनॉमिकल वे में कर रहे हो, ताकि आपका काम क्या हो, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो। ठीक है, ठीक, आप अपने काम को एफिशिएंट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, आप अपने बिजनेस को और ग्रो करवाने के लिए उसी वर्क को जो दूसरे लोग वर्क कर रहे हैं, उसी वर्क को एफिशिएंट वे में और अच्छे तरीके से कर रहे हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका, एन इजी एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन कुड बी द लॉन्चिंग ऑफ टच स्क्रीन सेल फोन व्हेन द वर्ल्ड वॉज स्टिल यूजिंग अ कीपैड ऑन सेल फोन। ठीक है, देखिए, एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया है प्रोडक्ट इनोवेशन का, क्या, जब पूरी दुनिया कौन सा फ़ोन यूज़ कर रही थी, कीपैड सेल फोन यूज़ कर रही थी, उस टाइम टच स्क्रीन सेल फोन लॉन्च करना क्या है, एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट इनोवेशन का एग्जांपल है। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। एक जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, उसको अपने बिजनेस के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या उसका गोल्स है, क्या क्या एम्स है, उसको सब सेट करके, डिटरमाइन करके चलना चाहिए। देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइज। हो सकता है कि जो इंटरप्राइज है, जो हमारा बिजनेस है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कुछ और हो और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कुछ और हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ही कैन चेंज दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन। और वो क्या कर सकता है, अपने मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज भी करता रहता है। ठीक है, अब जैसे कि वो कोई ऐसे कपड़े को लॉन्च करना चाह रहा है, ठीक है, मान लीजिए चिकन के वो कपड़े को लॉन्च करना चाह रहा है, लेकिन मार्केट से चिकन कपड़े का ट्रेंड हट चुका है, तो अब उसको अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स टू अर्न प्रॉफिट। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एंटरप्रेन्योर का, वो क्या होता है, अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट है टू एक्सपेंड बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाना और ग्रोथ करवाना। टू क्रिएट कस्टमर इमेज, कॉरपोरेट इमेज, सॉरी, अपनी बिजनेस में अपना क्या करना, एक इमेज, अपनी गुडविल मेंटेन करना। टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ हिज इंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके मार्केटिंग के लिए, अपने वो प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो उनको मार्केटिंग करना है मार्केट में, उसके लिए वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। ही कैन कंडक्ट सर्वेज और रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर डिमांड। वो क्या करते हैं, कस्टमर पे सर्वे करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, ताकि वो कस्टमर के डिमांड को समझ पाए। When the market are developed constantly, the demand of the consumer will increase. जब market जो होगा constantly develop होता रहेगा, तो जो हमारे customer हैं उसकी demand भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, next है आपका new technology. In global world every day there is an invention of new technology. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे global world में हर रोज कुछ ना कुछ नए technology का innovation, invention होता रहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस।
जब भी नई टेक्नोलॉजी इनोवेट होती है, उनका इन्वेंशन होता है, तो बिजनेसमैन उसको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, जिसके वजह से उसके बिजनेस का ग्रोथ होता है। न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनेबल्स टू इन्हेंस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, रिड्यूस वेस्टेज एंड इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, नए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होगी, जो वेस्टेज है वो कम से कम होगा, और जो प्रोडक्शन का क्वांटिटी है, पहले जिस क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन कर रहे थे और अब जिस क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो है वो है मेंटेनिंग गुड रिलेशन। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू मेंटेन गुड रिलेशन विद एम्प्लॉइज, कस्टमर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मीडिया एट्सेट्रा। जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको हर किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलना होता है, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, कस्टमर हो, गवर्नमेंट हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर मीडिया हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, हमारे एंटरप्रेन्योर का ये फंक्शन होता है, ये वर्क होता है कि वो हर किसी के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलते हैं। मेंटेनिंग गुड रिलेशन हेल्प विथ ऑल स्टेक होल्डर रिजल्ट इन टू ग्रोथ ऑफ बिजनेस। वो अपने अगर स्टेक होल्डर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलते हैं तो जिसके वजह से क्या होता है, उनके बिजनेस का ग्रोथ होता है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ एंटरप्रेन्योर मेंटेन गुड रिलेशन विथ एम्प्लॉइज, दे विल वर्क होल हार्टेडली एंड प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। सेम वे गुड रिलेशन विथ कस्टमर विल हेल्प टू इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट। कोई एंटरप्रेन्योर है वो अपने एम्प्लॉइज के साथ अगर अच्छा रिलेशन करता है, ठीक है, अगर अच्छे से व्यवहार करता है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है, तो बदले में जो उसके एम्प्लॉइज हैं वो भी पूरे दिल से काम करेंगे और क्या करेंगे, जिसके वजह से जब वो जो हमारे वर्कर्स हैं वो जब पूरे हार्टेडली काम करेंगे तो जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से जब जो हमारे एंटरप्रेन्योर है वो जब कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छा रिलेशन मेंटेन करके चलेंगे, तो जो कस्टमर है वो बार बार उन्हीं के पास आएंगे और जिसके वजह से उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग फंड्स। एंटरप्रेन्योर नीड टू ऑर्गेनाइज फंड फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, बोरोइंग लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जब बिजनेस सेट करते हैं तो उनके लिए उनको बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, पैसे चाहिए होते हैं, तो वो फंड रेज करने का उनके पास बहुत ही साधन होता है, जैसे कि वो शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो फिर बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करते हैं, लोन भी लेते हैं। एडिक्वेट एंड कॉन्टिन्यूस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस। एक एडिक्वेट और कंटिन्यूस बेसिस पे अगर आप बिजनेस को रन करना चाहते हो तो उसमें आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंटरप्रेन्योर हैज़ टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विथ इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दैट दे कैन प्रोवाइड फाइनेंस वेन एवर रिक्वायर्ड। जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उनको क्या करना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप जो हमारे इन्वेस्टर हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि अगर कभी भी हमारे एंटरप्रेन्योर को पैसे की ज़रूरत पड़े तो वो उनको फाइनेंस की हेल्प कर सके, मतलब पैसे से रिलेटेड मदद कर सके और उनको फाइनेंस प्रोवाइड करा सके जब भी एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत हो तब। नेक्स्ट है आपका टेकिंग डिसीजन। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको अपने बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन लेना होता है, बहुत ही बुद्धिमानी से डिसीजन लेना होता है। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर बिजनेस प्लान। ठीक है, कोई भी बिजनेस प्लान के लिए ये ज़रूरी है कि आप डिसीज़न लो, लेकिन उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप समय पे डिसीज़न लो और सही डिसीज़न लो। इसलिए टाइमली और करेक्टली डिसीज़न लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस प्लान को कैरी करने के लिए। ही शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रॉस एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन। वो बिजनेस डिसीजन लेने से पहले उसके सारे नुकसान और फ़ायदे को देख लेना चाहिए कि उस डिसीज़न से उसके बिजनेस को क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है या फिर क्या क्या लॉस हो सकते हैं। तो सबसे पहले उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देख लेना चाहिए किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले, ठीक है।
फिर है आपका क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व एस्टेब्लिशमेंट और एक्सपेंशन ऑफ एन एंटरप्राइज। जैसा कि हम लोग जानते हैं एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एक नए बिजनेस को सेट करते हैं। दिस क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब वो नया बिजनेस सेट करते हैं तो उसके लिए उनको बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है उस बिजनेस को रन करने के लिए, जिसके वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड इनटू एंटरप्राइज इटसेल्फ। ठीक है, जब कोई एंटरप्राइज ओपन करता है तो उसमें डायरेक्ट जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, लोग जाके वर्क करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड अदर इंटरप्राइज, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डायरेक्ट जो उसमें पर्सन वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, वो तो हो गया कि डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई। इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जैसे कि बैंक्स को, इंश्योरेंस को, ट्रांसपोर्ट को। अब वो बैंक से क्या करते हैं, लोन लेते हैं, अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट है आपका सोशल वेलफेयर। ठीक है, सोशल वेलफेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिजल्ट इन इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट अ रिड्यूस कॉस्ट, देयर बाय इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी को इनक्रीज करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनकी क्वालिटी को इनक्रीज करते हैं एक लो कॉस्ट पे, ताकि जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो, इनक्रीज हो। नेक्स्ट है आपका इट फैसिलिएट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज एंड इनकरेज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द सोसाइटी। वो जो रिसोर्सेज हैं उनको इतने बेटर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसके वजह से सोसाइटी में क्या होती है, पीस और प्रॉस्पेरिटी हमेशा मेंटेन रहती है और हमेशा शांति बढ़ती ही रहती है सोसाइटी में। ठीक है, तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज का ऐसे रिसोर्सेज जिनकी रिसोर्सेज की कमी है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही स्कार्स है, तो वो उन स्कार्स रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं अपने चीज़ों को प्रोडक्शन करने के लिए। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।